बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपना तेज जमकर दिखाया था। हालांकि आरजेडी सत्ता की चौखट पर पहुंचकर उसे लांग ना सकी, लेकिन हार से तेजस्वी यादव हताश नहीं हुए बल्कि उनके तेवर और कड़े हो गए हैं। इसलिए तो सदन में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो नीतीश से लेकर बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद हो गई। सब तेजस्वी के रूप को देखकर हैरान रह गए। बिहार में भले ही सत्ता में एक बार फिर एनडीए गठबंधन आ गया है, लेकिन विपक्ष हार कर भी कमजोर नहीं हुआ है। राज्य में अब की बार हुए चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता रूप में परफेक्ट नजर आ रहे हैं। साल 2021-22 के बजट पर जिस तरीके से उन्होंने सरकार को आंकड़ों के जाल में घेरने की कोशिश की, उससे साफ नजर आ रहा है कि अब उनमें परिपक्वता आ गई है। दरअसल तेजस्वी बहस के दौरान एक घंटे से ज्यादा समय तक बजट पर बोलते रहे और उन्होंने अपने आंकड़ों की बदौलत सरकार को पूरी तरह से घेर दिया। तेजस्वी ने भाषण के दौरान अपने माता पिता यानी लालू राबड़ी देवी के 15 सालों के शासन की तुलना बीजेपी जेडीयू के 15 साल के शासन काल से कर ये साबित करने की कोशिश की कि उनके माता पिता का राज आज की तुलना में अच्छा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार की सत्ता में आए थे तो उस समय बिहार का बजट 3,000 करोड़ था, जो आरजेडी के शासन खत्म होने तक 24,000 करोड़ तक पहुंचा, यानी इनमें भी 8 गुना की वृद्धि हुई है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 1990 से लेकर अब तक भारत सरकार के बजट आकार में भी 8 गुना वृद्धि ही हुई है। सदन में बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भले ही बिहार का बजट आकार 2,11,00,000 करोड़ था, लेकिन सरकार बजट का सिर्फ 33% ही खर्च कर पाई है, यानी केवल 70,000 करोड़ रुपए ही सरकार खर्च कर सकी है, जबकि 1,41,000 करोड़ खर्च नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार के दौरान राज्य के आंतरिक संसाधनों की हिस्सेदारी 20% थी, जबकि ये घटकर 18% हो गई है। ऐसे में आंतरिक संसाधनों की आमदनी में 2% की कमी आई है। तेजस्वी के इन आंकड़ों को बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भ्रामक बताया और विपक्ष की घेराबंदी से निकलने की कोशिश की, लेकिन उनमें वो आत्मविश्वास नजर नहीं आया। यानी साफ है कि सत्ता में रहकर भी एनडीए गठबंधन कमजोर है और विपक्ष में रहकर भी तेजस्वी मजबूत है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।